नमस्कार, नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आज का जो हमारा विषय है वह है कि कैसे हम धन को प्राप्त करें। तो देखिए, धन को प्राप्त करने के लिए दो ही देवता ऐसे हैं जो धन का भंडार रखते हैं, एक है महालक्ष्मी और दूसरे हैं कुबेर जी। तो इस विधि के द्वारा हम कुबेर जैसा आपको अमीर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो कुबेर जैसा अमीर बनाने के लिए ये जो प्रयास है वो कौन कर सकते हैं, वो कर सकती है माँ। अगर माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हो जाए तो आप कुबेर जैसे धनवान बन सकते हैं। आप कुबेर जैसे धनवान कहने का मतलब ये नहीं कि आप स्वयं कुबेर जी बन जाएंगे, यानी आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस अपनी पूजा को करने के लिए, सिर्फ एक दिन की पूजा है और यकीन मान के चलिए कि इस एक दिन की पूजा से आपके धन धान जो है वो खुलने वाले हैं। बहुत कम सामग्री की जरूरत पड़ेगी, केवल 4 से 5। तो पहली जो सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो है अष्ट लक्ष्मी की फोटो, दूसरी पड़ेगी अष्टगंध। अष्टगंध आपको पूजा का जहां सामान मिलता है वहां आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको 8 दीपक चाहिए होंगे, जो मट्टी के बने हुए दीपक होते हैं वो 8 दीपक, ठीक है। और उसके बाद चाहिए आपको एक कमल गट्टे की माला। कमल गट्टे की माला आपको 200-300 रुपए की आसानी से किसी भी जो रुद्राक्ष बेचने की दुकान होती है या फिर जेमस्टोन बेचते हैं वहां पर ये मालाएं आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये 4 सामग्री आपको समझ में आ गई। और एक चाहिए होगा आपको श्री यंत्र। श्री यंत्र कहां से मिलेगा? तो देखिए, श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित करवाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा इस पूजा के द्वारा। तो एक स्टेप ये होता है कि आप पहले श्री यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करें, उसके बाद ये साधना करें, लेकिन इस साधना के द्वारा आपका ये श्रीयंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो श्रीयंत्र आपको कहां से मिलेगा? श्रीयंत्र आपको मिलेगा जहां पर फोटो बनती हैं, फोटो फ्रेम वगैरह बनाते हैं, जो लोग भगवानों की फोटो फ्रेम वगैरह बनाते हैं वहां पे श्रीयंत्र मिल जाएगा। तो ये केवल 5 सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है। आप करना क्या है, आपको शुक्रवार का दिन लेना है, यानी आप जो शुक्रवार आ रहा है इस दिन से भी आप कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन है, समय होगा रात्रि का 9:30 से 10:30 के बीच का। ये बात आपको यहां पे ध्यान देने वाली है, एक दिन की ही साधना है सर। अब करना क्या है आपको, बिल्कुल वही तरीका है, ईशान कोण में बैठ के आपको हवन सामग्री का इंतजाम करना है। हवन में प्रीम के 108 जाप की आहुति देनी है, और जब आप हवन की सामग्री डालते हैं उस समय हर बार श्रीम बोलना ईशान कोण पे बैठ के। उसके बाद लक्ष्मी जी का त्राटक करना, और चूंकि ईशान लक्ष्मी माता के पति की ही जगह यानी विष्णु भगवान की ही जगह है, तो यहां पर भी इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। जब आपका ये पूरा पूजा पूरी हो जाती है, उसके बाद इसी शुक्रवार को ही आपको ये काम करना है कि श्रीयंत्र, जो श्रीयंत्र है वो, और अष्ट जो लक्ष्मी है उनकी अष्ट गंध से तिलक करें, श्रीयंत्र और उसका, ठीक है। अब कमल के गट्टे की जो माला है वो अपने हाथ में ले लेनी है, सारे जो दीपक हैं उनको जला लेना है, ठीक है, दीपक जला लेना है। और याद करें, जैसे आपकी एक माला खत्म होगी फिर दीपक में आप ऑयल डालें या घी डालें, वैसे घी के दीपक ही सही रहेगा, गाय का घी होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दिन के साथ में गाय का दीपक रखिए। सो एक माला जब आपकी कंप्लीट होती है, जैसे ही आपका कुछ दीपक खत्म हो रहा फिर डाल दीजिए उसमें घी। तो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, महालक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी का मंत्र है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल हो जाएगा, भर जाएगा, आप उसे देख लें। उसके आपको कितनी माला करनी है, उसकी 21 माला करनी, यानी 108 जो जाप होता है उसकी एक माला होती है, ऐसे आपको 21 बार माला को घुमाना है और हर बार वो दीपक को कर लेना है। अब करना क्या है, जब ये आपकी पूरी विधि हो जाती है, देखिए ये जो समय है इसमें समय आपका 2 से 3 घंटा जाने वाला है, हो सकता है 2 घंटे में भी हो जाए। जिनको अभ्यास होगा, जिन्होंने पहले ही मंत्र किया होगा तो वो कर सकते हैं, जो नहीं किया होगा तब भी 2-3 घंटे में समाप्त हो जाएगा। सो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि जो आपका कमल गट्टा है जिससे आप माला को फेर रहे थे, उस कमल गट्टे को अपने धन धान्य जहां तिजोरी होती है वहां रख लेना है। श्रीयंत्र को अपने मंदिर में ही स्थापित कर देना है, और अष्टलक्ष्मी की जो फोटो है उसे भी अपने घर पे ही रहने दें, और जो दीपक बच रहे हैं अब 8, उनमें फिर से आप घी का पूरा भर दीजिए ऊपर तक। उसके बाद जो 8 दिशाएं होती हैं उस 8 दिशाओं में उन दीपक को रख दीजिए, बस एक बार रखना है, उसके बाद अब ऑयल नहीं भरना है। ये उपाय माना हुआ टोटका है, और आप देखेंगे जिस तरीके से दीपक जलता जाएगा, आपके जो निगेटिव एनर्जी है घर की, जो आपके अंदर दरिद्रता आ रही वो मिटती जाएगी, और कमल गट्टा और श्रीयंत्र चुंबक की तरीके से पैसे को खींचने लग जाएगा।
तो आप ये उपाय करके देखिए, इसी शुक्रवार से आप करके देखिए और यकीन मान के चलिए अगर आपका पॉजिटिव तरीका है और बिल्कुल सही तरीके से आप करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट भी मिलेगा और माता लक्ष्मी आपकी सभी मुरादों को पूरा करेगी। जो आपकी मनोकामना है पैसे से रिलेटेड, भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड, वो पूर्ण होने लगेगी। सो ये आप करके देखिए और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए। और इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, आपसे जाना चाहूंगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी, राधे राधे।